हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज सिंह पवार, एक बार फिर से जो है आपका एम एस पवार ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने घर में हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी कमज़ोर दिल वाले हैं, इस वीडियो को ना देखें। अगर आप लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो से दूर रहे। और जो है इसमें जो है 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो भी दूर रहें, क्योंकि ये वीडियो, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, बहुत ही डेंजर। तो इस बारे में आप लोगों को अभी जो है इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसा कि थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इधर पे हो क्या रहा है। बहुत ही डेंजर चीज़ है। जैसा कि देखिए कि आज से लगभग हमारे पुराने टाइम में ऐसा ट्रीटमेंट होता था, तो वो ट्रीटमेंट हो रहा है अभी, इस बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये देखिए इधर पर जो है अभी यह आग में जो है एक जो है लोहे की छड़ या रॉड को रखा गया, उसको गर्म किया गया है। बहुत से लोगों को, जो अगर हमारे गाँव वाले वीडियो इसको देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि ये क्या हो रहा है। इधर पे हमारे जो है बूबू जी हैं, इसके डॉक्टर जिसको बोलेंगे अभी, जो उसका जो अभी उपचार किया जाएगा। देखिए मुझे इसको एक बार बाहर निकालो, ये ठंडा हो जाएगा ना क्या? हाँ, बाहर ठंडा हो जाएगा ना, बाद में दिखाएगा, बाद में दिखाएंगे। तो दोस्तों इधर पे अभी बूबू जी से पूछेंगे कि ये हो क्या रहा है इधर पे। आप सबसे पहले तो अभी आने वाले टाइम में आप इस वीडियो को इससे दूर रहे, कमजोर दिखाले भाई, आप वीडियो मत देखें। सबसे पहले ये बोलेंगे हम लोग, तो हमारे बूबू जी बताएंगे सबसे पहले हो क्या रहा है इधर पे। अभी जो है इसको एक लकड़ी पे जो है एक गर्म रॉड है, छड़ को गर्म किया जा रहा है, ये देखिए। और हमारे जो इधर पे श्री राय सिंह पवार बूबू जी हैं, तो इन्हीं को जो है तकलीफ है, कुछ बीमारी है, कुछ हिसाब से अभी जानेंगे कि क्या चीज़ है, क्या क्या दिक्कत है, उसी के लिए जो है ट्रीटमेंट की तैयारी हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे इधर पर अभी, थोड़ा धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखिए अभी जो है इसको जो है लाल किया जा रहा है, इधर पर एक धातु है जो है लोहे की छड़ लगी है इसके पीछे। तो थोड़ी देर में अभी बूबू जी से जानेंगे, क्योंकि अभी इसकी प्रक्रिया है, ये गर्म कर रहे हैं। इधर पे अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा, इधर पे एक प्रक्रिया चल रही है। अब मैं, जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, आप लोग यूट्यूब में इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर ये मैं, आप कभी जो है घर पर ऐसा अप्लाई ना करें, क्योंकि ये चीज़ें जो ट्रीटमेंट है आज के टाइम में, जो पुराने टाइम में हमारी रीति रिवाज, जो परम्परा, जो पुराने बुजुर्ग लोग ये इस टाइप का ट्रीटमेंट करते थे, इसका अनुभव भी होना चाहिए। सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने नंदा कुंड की वीडियो देखी होगी, हम नंदा कुंड यात्रा क्यों जाते हैं, इस बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी हमारे श्री प्रयाग सिंह पवार बूबू जी ने। तो आज जो है इधर पर क्या हो रहा है, इस बारे में प्रयाग सिंह पवार बूबू जी बताएंगे। सबसे पहले तो बूबू जी आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है एम एस पवार ब्लॉग में। तो बूबू जी बताइए कि हम इधर पे ये क्या कर रहे हैं इधर पे, जैसे कि आग जल रहा है, ये नटिया, ये जो परम्परा से चला है, घरेलू उपचार है ये, जैसे पेट दर्द या पेचिश त्यारी चीज, जैसे पेट में कोई गड़बड़ हो गया है, हम जो जड़ी बूटी देते हैं पहले, उससे अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, फिर जो है डॉक्टर, जैसे छोटे मोटे हॉस्टल में नहीं होता तो आगे वो रिफर करता है, तो इसलिए हम जो है इसका उपचार करते हैं, इससे ठीक हो जाता है, इससे ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये इधर पे ये इससे ठीक हो जाता है। इससे पहले आप कौन सी जो मेडिसिन देते हो बता, जो हमारे ये इशालों का जड़ हो गया, और इत्यादि जड़ और भी है, घ्यूपाती हो गया, घ्यूपाती वो भी ठीक रहता है, हम भी ले सकते हैं कभी, और इस टाइप ये तो असली है, वो पथरिया में काम आता है घ्यूपाती। तो बू जी ये बताइए, आप इधर पे ये प्रक्रिया हो रही है आग जलाई, ये क्या क्या है, आप इस बारे में बताएंगे बू जी आपके पास, जैसे कि ये देख रहे हैं ये तवा है, इसमें आग, ये लकड़ी रखे हैं ये, और ये जो है ये तोफुल बोलते हैं अपनी मातृभाषा में, पहले बता, ये लकड़ी है, यहाँ में ये लोहे का सरिया है आगे को, लोहे का सरिया, गाय का गोबर लगा रखा है, क्योंकि लकड़ी नहीं जली इसमें बचाव के लिए, गोबर, हाँ। और इधर पे ये चीज है प्रक्रिया, हाँ। तो ये छड़ी को लाल किया जा रहा है, तो और शिवा क्या किया जाएगा, इसको चलाने का अनुभव भी आना चाहिए, इसको ठीक नाभि में मारेंगे हम, नाभि में हिसाब से मारना पड़ता है, कहीं अगर कोई अनजाने मार दे, अंदर छेद ना पड़े, अरे जिसको इसका आइडिया नहीं है, इनका अनुभव नहीं है, वो ना चला इसको, सबसे मेरी राय यही है, ये राय है कि कोई ऐसे इस टाइप का उपचार ना करे, उपचार ना करे। वो आपको कितने साल से, आपने कितने आज तक कितना इस टाइप का ट्रीटमेंट किया? ये तो मैं करते रहता हूँ, मैं जैसे मैं लगभग 20-22 साल का था तब से इसका प्रयोग करता हूँ मैं, लोग बाल आते रहते हैं, अभी तो मेरी एज लगभग 50 साल हो गए मेरे को। तो दोस्तों देखिए अभी ये प्रक्रिया भी ये होने के बाद अभी जाना जाएगा, अभी देखिए वो बूबू जी अपने उस पर राख भी लगा रहे थे, अभी दिखाएंगे आप लोगों को, इधर पे जो है नाक पे रॉड लाल हो चुका है। तो कभी भी आप लोगों को इस टाइप का जो ट्रीटमेंट वगैरह ये चीज़ें, ये जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इधर पर, तब ये बूबू जी इधर पर लेट चुके हैं, ये नोटी में नाभि में देखिए बूबू जी, ये राख जो लगाया, राख क्यों लगाया था, ये राख की राख क्या होता है,
जलन नहीं पाते ना। जलन नहीं होता। तो देखिए ये शेर जो है नाभि के ऊपर, अभी देखिए ये आप लोगों को दिखा रहा होगा, ये जो है छड़, लोहे की छड़ जो है लाल हो चुका है, लाल हो चुका है इसके नीचे से। अभी जो है गोबर को हटाने का काम किया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए, आप देख रहे होंगे बस ये वाह, आप लोगों ने देख दिया होगा भाई बुबू जी को, छड़ जो है लाल हो चुका है, लाल हो चुका है इसके नीचे से। गोबर को हटाने का काम किया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा कि सबसे पहले ये बुबू जी जा रहे हैं, बताइए बुबू जी ये हाथ में क्या पकड़ा है, ये देखिए सोफुल बोलते हैं हमारे भाषा में, सोफुल बोलते हैं, लोहे का रोड होता है इसको जो है हमारे यहाँ, ये वो बनाते हैं घर में उनका होता है, ये आफत का बोलते हैं उसको, लोहार लोग उसको बनाते हैं, इसको बनाने वक्त कुछ अपने पुराने लोग जो है वो उनको वो भी आता है, फिर ये मंत्र टाइप के होते हैं उनके, इस टाइप का बनाने वक्त मंत्र छोड़ते हैं इसमें, तब जो है इसको यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। तो आपको कितने साल का अनुभव, क्योंकि ये तो डॉक्टर ही कर सकता है, नहीं तो नॉर्मल इंसान, हम तो डर जाए देखने में डर लगता था। तो लगभग मेरे को 28 साल का अनुभव इसका, 28 साल का अनुभव। तो दोस्तों इधर पर अभी बुबू जी से पूछेंगे, बुबू जी आप इतना ये करते हो आपको डर नहीं लगता है, ये सबसे पहले बताएंगे बुबू जी। क्यों डर तो लगता है, फिर भी मतलब आप इतना हिम्मत, बाबरे ऑपरेशन ही हुआ ये, ऑपरेशन हो गया, आपको क्या तकलीफ थी बताओ, क्या हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था दवाई खा के, अब इससे सही हो जाएगा, अब सही होगा। तो दोस्तों एक बार देखना चाहेंगे बाबू जी, दिखाओ तो नाभि में आपके जो है चोट लगी अभी, कभी तो कुछ तो जलन होता होगा बहुत टाइम पे, लॉन्ग टाइम पे बाद में तक, जब इस टाइम पे कुछ टाइम पे हल्का सा जला रखा है, जब दर्द तो एक बार दिखाई तो इधर पर दी, अभी तो दिखेगा नहीं दोस्तों, ये दिखेगा नाभि है आप लोग ऐसा जो है, क्योंकि ये है कि सॉरी में इसके बीचों में मारा होगा, बीचों बीच में। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे आप लोग, ये है, हाँ दिखा दिया अभी मुझे, हो गया। तो बताइए आपने आज तक कितनी बार ऐसा ट्रीटमेंट किया, आप तो उपचार ही करते रहते हैं या पहली बार आपका? नहीं तो पहले से ही उपचार करते हो और ठीक हो जाता है? हाँ। तो इससे पहले आप दवाई से ठीक नहीं होता है? नहीं तो हाँ, क्यों, कोई इससे पहले इशाल जड़ी वगैरह ये चीज़ें? हाँ उसे भी होता है, अरे उसे भी होता है। तो बाबू जी ये बताइए, जैसे कि हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे और जो हमारे देख रहे होंगे वीडियो, इस टाइप का उपचार कर सकते हैं क्या? उपचार सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खतरा भी है, करना भी नहीं चाहिए, जो जानता है वही करेगा, नहीं तो। तो इससे क्या हो रहा था, आपके जो पेट में जो कुछ खाया तो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं पा रहा, वो ऐसे खट्टा वैसे रह रहा, बाहर नहीं आ रहा, बाहर नहीं आ रहा, हाँ, तो उससे पेट दर्द वगैरह इसी जगह। तो दोस्तों इधर पर जानेंगे बाबू जी इस उपचार के बारे में, क्या सभी लोग कर सकते हैं इस टाइप का उपचार? ना ना ना, ऐसा जो है जहाँ तक कोई इसका उपचार ना करें, इसका उपचार जो आदमी कर रहा है उसको अनुभव होता है वही करता है, इसका अनुभव होना चाहिए। तो इस उपचार के लिए जो है डॉक्टर भी क्या कहता है, मना करता ना आपको? डॉक्टर तो मना करता है, ये जो है आयुर्वेदिक दवा भी एक हिसाब से, ये परंपरा से चला रहा, ये घरेलू उपचार हुआ, घरेलू उपचार, इसलिए डॉक्टर जो इस चीज को मना करता है। तो देखिए दोस्तों डॉक्टर बुबू ने खुद ही कह दिया, क्योंकि बुबू को आज तक लगभग कभी सोफुल भूटना बोलते हैं, कितने बार का आपने ट्रीटमेंट किया? लगभग 28 साल तक मेरे को, 28 साल का अनुभव है मेरे को इस चीज का, और यह चीज जो है जिसको अनुभव नहीं है इस चीज के बारे में, कोई अनजान आदमी को सलाह देगा, इससे जो कैंसर भी होता है, क्यों उसे वो नाभि जल जाएगा, उसे वो शॉर्ट जो है अंदर को जो है रिएक्शन करता है, उसके चोट का भी फिक्स शॉर्ट होता है, जोर के मारना कितना हल्का मारना, हिसाब से मारना पड़ता है, वो उतना जोर से भी नहीं मारना पड़ता है, खाली टच भी नहीं करना पड़ता है, उसी हिसाब से मारना पड़ता है, ये इस चीज को, इसका उपचार जो है मतलब अनजान आदमी ना करे। अरे ये वीडियो देखे जाए, हर कोई सोचे कि मैं भी इसको यूज करूँ, सही बात, ऐसा ना करे, मेरी सलाह ये है कि मतलब कोई भी आदमी इसका उपचार ना करे।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, ये वीडियो एक ये था कि एक जो पुरानी रीति रिवाज जो परंपरा चली आ रही है तो उस चीज़ को दिखा रहा हूँ, ना कि आप लोगों को ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप कदापि इस टाइप का उपचार ना करें, क्योंकि आज के टाइम में जो है मेडिकल फैसिलिटी वगैरह बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो हमारे बूबू जी हैं उनको अनुभव है इससे पहले भी, क्योंकि उनकी हैबिट जैसी हो चुकी है। बूबू जी आज लगभग कितनी बार कर चुके, अगर हमने 10 बार या 10-15 बार कितनी बार, 15-20 बार, फिर शिवा ठीक हो जाता है आपका। बूबू जी हुआ ऐसा कि जैसे कि इन्होंने कुछ खाया अभी आज के मक्की का सीजन है या कुछ ऐसा चीज़ हो, क्योंकि कच्चा खा दिया या तो पेट के अंदर ही रह गया, उसके बाद जो है वो साबुत वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा और जो है गुदा के द्वारा मूत्राशय जो मल होता है उसके द्वारा जो बाहर भी नहीं आ पा रहा है, तो उस हिसाब से जो उसी में रह गया तो जब ये चोफुल मारने से होता है उसको क्या होता है वो नष्ट हो जाता है, उसके बाद जो है उसका क्या होगा डाइजेशन होगा, वो बाहर आ जाएगा, कब्ज अब्ज जो भी बाहर है वो दूर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। उसके बाद जो पेट दर्द जो दिक्कत आ रही है इनको चलने में, पेट दर्द हो रहेगा तभी, नहीं तो कोई भी इंसान जो है इतना ट्रीटमेंट वगैरह ये चीज़ें नहीं कर सकता। जैसे पहले बचपन में हम भी क्या बताए, ये तो चोफुल ये डेंजर होता है, इससे पहले ताव उठना बोलते थे, जैसे कि गाँव वाले आप लोग देख रहे हो बहुत लोगों को आपको पता होता है ताव उठ, उसमें दो होता है, वो तो हल्का फुल्का होता है, नॉर्मल होता है, उसको लाल भी नहीं किया गया था, इसको तो लाल भी ऐसा मारा जाता था, तो ये है हल्का फुल्का। तो थोड़े दिन के लिए हमने बड़ा डर लग रहा था, वो दिन याद आ गया बचपन के मुझे भी ये देख के। तो ये लाने से जो मतलब खाने पीने परहेज करना पड़ता है, जैसे हल्का फुल्का खिचड़ी और इत्यादि से खाना पड़ता है, जैसे रोटी वोटी शक्त भात या दाल हाल इस टाइप का नहीं खाना पड़ता है। कितने दिन तक वो लगभग 5 दिन का तो करना ही पड़ेगा परहेज, 5 दिन का परहेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ऐसा है, हल्का फुल्का खाना है, मतलब हल्का फुल्का खाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया, इस बारे में आप अवश्य अपने विचार व्यक्त करें। बहुत से जितने भी आप लोगों को वीडियो देख के बहुत डर लग गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें जैसे लाल करने के बाद उसमें मारना, ऐसा आप कदापि प्रयोग न करें। जो एक्सपेरिमेंट इस टाइप की कोशिश करेंगे इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कि कभी फोर्स नहीं करा। ये चीज़ एक चलता था हमारा पुरानी परंपरा, ये पहली बार हो रहा है, अभी भी देखा नहीं तो ये चीज़ें खत्म हो चुकी है, आज के टाइम में कोई करता ही नहीं है ये चीज़ें विशेष कम। तो ये बूबू जी को अनुभव है, नहीं तो वहाँ उनको विश्वास, नहीं तो किसी और को कहते, नहीं तो कहते नहीं वो। जैसे ये बूबू जी इधर पे जो चोफुल मारा था रॉड मारने का अनुभव, जैसे कि ये बूबू जी इधर पे उनको ही है, नहीं तो जिस पे विश्वास है नहीं तो क्यों कहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा गर्म रॉड है और पेट में छेद कर देगा इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। एक एक धरोहर परंपरा ये पुरानी चीज़ थी, इस टाइप का ट्रीटमेंट था तो दिखा रहा था, तो इसलिए दिखाया मैंने, ये बूबू जी कर रहे थे, इसको जो है ज़बरदस्ती नहीं किया गया कि फोर्स वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और एक राय रखें कि ये चीज़ आप लोगों को भी बहुत, मुझे तो पता था कि इस टाइप का भी होता है, लेकिन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि इस टाइप का ट्रीटमेंट भी हो रहा है और ठीक भी होता है, और इसके लिए प्रैक्टिस होती है। जैसा कि एक माना जाएंगे कि घरेलू डॉक्टर जो हमारे श्री प्रयाग पवार बाबू जी और जो है ये बाबू जी जिनको दिक्कत थी, श्री राय सिंह पवार बाबू जी, तो ये इस टाइम पर था, तो मैं भी यहाँ पर बैठा था, तो अब इन्होंने कहा कि ये चलो, तब इसलिए मैंने ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। इसका ये उद्देश्य है कि एक चीज़ दिखाना है, ना कि ट्रीटमेंट करना। तो ठीक है, आप लोग कैसा लगा इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। अगर नए जुड़े तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो कि अदर लोग भी इन्फॉर्मेशन जान पाए। तो धन्यवाद।